नमस्कार बागवान भाइयों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस शिमला एप्पल्स यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम चर्चा करेंगे एप्पल थिनिंग के विषय पर। सेब को थिनिंग करना क्यों आवश्यक है, सेब को थिन क्यों करते हैं और सेब थिनिंग होता क्या है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि ये जो टहनी है इसमें काफ़ी हैवी क्रॉप लगी है। ये टहनी रेड गोल्डन की है तो इसमें काफ़ी हैवी क्रॉप लगी है। इसकी थिनिंग करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर हम इसकी थिनिंग नहीं करेंगे तो एप्पल क्वालिटी नहीं बनेगी और उसके साथ साथ इस टहनी में काफ़ी लोड पड़ जाएगा जिससे इसके टूटने का खतरा बढ़ जाता है और जो हमारा सेब है वो भी अच्छी क्वालिटी का नहीं बन पाता है। इसलिए सेब में थिनिंग का बहुत ही अहम योगदान है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से थिनिंग करते हैं। जैसे कि आपको एक गुच्छे में 3 से 4 सेब दिखते हैं, 5 सेब दिखते हैं, तो उसमें से आपको जो वीक सेब होता है जिसकी पीछे डंडी बिल्कुल वीक सी दिखती है या जो साइज़ में भी छोटा होता है उसे आपको काटना है। जो बड़ा सेब है उसे आप रहने दीजिए क्योंकि उसमें अच्छी ग्रोथ मिल रही है सेब में। तो जो भी वीक सेब होता है उसे आप काट दीजिए। वैसे तो बाज़ार में केमिकल भी मिल जाते हैं लेकिन मैं आपको केमिकल रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि केमिकल से हमारे पौधे को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आप अगर चाहे तो अपने खुद ब खुद ही थिनिंग कर सकते, आप इसको मैन्युअली ही कीजिए क्योंकि मैन्युअली आपको समय ज़्यादा लगेगा लेकिन क्वालिटी फ्रूट तभी बनेगा अगर आप मैन्युअली इसको करते हैं। तो इसका जो सही समय है वो लगभग जब सेब का दाना मटर के दाने के बराबर हो जाए तो सबसे सही समय इसका थिनिंग करने का हो जाता है। वैसे तो सेब सेटिंग के लगभग 10 से 15 दिन के अंदर एक दाना या दो दाना खुद ही गिर जाते हैं। सेटिंग होने के 15 दिन के बाद हमें देखना है कि जो फ्रूट सेट हो चुका है उसमें जहाँ पे ज़्यादा फ्रूट लगे हैं, जैसे गुच्छे में 4-5 सेब लगे हैं, तो उसमें से हमें जो भी हमारा वीक सेब दिखता है उसे हम थिन करना है। ये जो कलम है ये रेड गोल्डन की कलम है तो इसमें लगभग 70-80% तक थिनिंग करनी है। ये नहीं करना है कि आपको पूरे 100% सेब को थिन करना है। अगर कलम छोटी है तो आपको 70-80% लगभग थिनिंग करनी है। अगर कलम बड़ी है तो आप 60% सेब को थिनिंग कर सकते हैं और बाकी 40% सेब पेड़ में रहने दे सकते हैं। वैसे अभी नेचुरल थिनिंग भी होती है, पेड़ खुद ब खुद कुछ सेब के दानों को ड्रॉप कर देता है। अभी मई के महीने में अभी ड्रॉपिंग होती है तो आप उतनी सेब को थिन कीजिए जितनी आवश्यकता है। यही सेम मेथड आप रॉयल के पेड़ों पर भी कर सकते हैं। रॉयल है, स्पर वैराइटीज है, उसमें भी आप यही सेम मेथड यूज़ कर सकते हैं लेकिन उसमें आपको 70-80% सेब को थिन नहीं करना होता। उसमें आपको लगभग 15-20-30% सेब को थिनिंग करनी होती है। अगर हैवी क्रॉपिंग आपके बगीचे में लगी है तभी आप 15-20-30% तक सेब को थिन कीजिए। अगर आपकी लाइट क्रॉप लगी है, सेब कम लगे है, तो आप को थिनिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे रेड गोल्डन में थिनिंग करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि अगले साल जब नेक्स्ट ईयर आपके सेबों में फूल आएगा तभी आपके रॉयल के सेब में भी सेटिंग होगी। तो इसीलिए रेड गोल्डन की कलमों को थिन करना आवश्यक होता है ताकि हम नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपेयर रहे। था क्या होगा कि आपके अगले साल जो रॉयल का बगीचा है उसमें फ्लोरिंग तो काफ़ी अच्छी होगी या फिर स्पर का भी जो भी आपका बगीचा है उसमें काफ़ी अच्छी फ्लोरिंग होती है लेकिन उसमें आपकी सेटिंग कम होती है। उसका मेन कारण यही होता है जो हमने लास्ट ईयर जो हमारा पॉनेटर था उसे हमने जो थिनिंग नहीं की थी उसमें फूल नहीं निकला। जब फूल पॉनेटर में फूल नहीं निकलेगा तो आपकी रॉयल या स्पर की वैरायटी जो भी होगी आपके बगीचे में उसमें सेटिंग होने के चांस कम रहते हैं। इसीलिए हमें पॉलिनेशन को बचाना है अगले साल के लिए। कुछ एक वैरायटी
वैराइटीज़ जैसे रेड गोल्डन, गोल्डन ग्रेनी स्मिथ, जो भी ये वैराइटीज़ है पॉलिनेशन का जो भी काम करती है, इसे हमें थिनिंग करना बहुत ही आवश्यक होता है ताकि हमारे जो पॉलिनेशन है वो अगले साल के लिए बच सके और उसमें नेक्स्ट ईयर भी फूल आए और हमारे बगीचे में अच्छे से पॉलिनेशन होती रहे हर साल। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।